two, one. फिर अचानक बजती है सीटी, उसके बाद तो जितनी ठंड थी ना वो मेरे शरीर पे पूरी चढ़ गई थी। टाल दो। मैं जब भूमिका और आकृति को देख रहा था वो लोग इतना ज्यादा कांप रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। इतनी ठंडी लग रही थी हम लोगों को, वैसे ही हमारे पास डॉक्टर्स आए, उन्होंने कंबल दिया हम लोग को। इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था कि कोई लेवल नहीं है उस चीज़ का। ऊपर से प्रेशर अलग है कि कौन जीता है, कौन हारा है, कौन अंदर गेम में जाने वाला है, कौन आज घर जाने वाला है। सब ने कोशिश करी और तीनों की स्पिरिट इतनी हाई थी कि वो तीनों इस शो में रहना चाहते थे और तीनों में से कोई भी नहीं उठा। तो मैं बहुत खुश था कि अब रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, बट मेरे गैंग ने किसी ने गिव अप नहीं किया। बहुत सारा कंफ्यूजन था कि कौन अंदर जाएगा यार, क्योंकि तीनों को तो अंदर नहीं भेज सकते थे हम, तो कोई ना कोई बाहर जाने वाला था। बट अब देखते हैं सोनू सर क्या रिजल्ट बताते हैं, क्या है। बहुत सारा प्रेशर है कि क्या होने वाला है। जैसे ही टास्क खत्म होता है हमारी हालत बहुत टाइट हो चुकी है और हमें लिटरली ब्लैंकेट लेकर खड़ा होना पड़ा। सरोडीस, सबने बढ़िया किया, दुश्मनों ने भी बहुत बढ़िया काम किया, दोस्तों ने भी अच्छा काम किया, लेकिन हमारे जो तीन रोडीज हैं, ग्लैडिएटर टाइप आप तीनों परफॉर्म कर रहे थे, शिवर कर रहे थे, आप कांप रहे थे, जान निकली पड़ी थी अंदर, पर गिव अप कोई नहीं कर रहा था। तो आई थिंक वो एक रोडीज की सबसे बड़ी एक खासियत होती है, ये बॉस छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आप में से जो एक जना हमारे साथ सिसु जाने वाला है वो बहुत ही ज्यादा धड़कनें तेज हो जाती है। आई होप कुछ ना कुछ अच्छा हो। बाकी दो को भी लेके जाएगा, मतलब आप तीनों ये टास्क सर्वाइव किए हो, आप तीनों सिसु जा रहे हो। ये हुई ना बात, एंड माय डियर सचिन, आई एम बैक। मैं फाइनली अपना बी योर सेल्फ में आ चुकी हूँ। आई एम बीइंग मी एंड आई एम बीइंग हैप्पी अबाउट इट। तो हम तीनों ही बच चुके थे और मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि अगर मैं हरा के जाता तो मेरे को ज्यादा खुशी होती, क्योंकि मैं दो को तो घर भेजता एटलीस्ट। देखो, आप तीनों की रोडी स्पिरिट ने यू नो मुझे फोर्स किया है कि बॉस ये सिसु जाके ही मानेंगे। गेम में वापस आ गए आप लोग। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे गैंग के दो मेंबर्स बच गए, साथ ही साथ मेरा दोस्त भी बच गया है जिन्होंने गिव अप नहीं किया और इनका फल इन्हें मिल गया।